वो स्पाईवेयर जिसने पत्रकारों और पॉलिटिशियन की जानकारी चुराने से पहले सरकारों की चोरी सामने लाकर रख दी है। इसका खुलासा किया है 10 देशों के 17 मीडिया हाउस से जुड़े 80 पत्रकारों ने। इनके लिए तालियां तो बनती हैं। खुलासा बड़ा है, हंगामा भी बड़ा ही होना था। एक तरफ सियासत गर्मा गई है तो दूसरी तरफ हम और आप जैसे आम लोग यही सोचते रह गए कि भैया ये सॉफ्टवेयर है क्या, हम अपने आप को इस जासूसी से कैसे बचाएं और हमारा फोन स्पाईवेयर से कितना सुरक्षित है। बार बार स्पाईवेयर बोल रहा हूं, तो ये स्पाईवेयर होता क्या है? जैसे शेरलॉक होम्स जासूसी के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल किया करता था, ठीक वैसा ही कुछ डिजिटल वर्ल्ड में भी हो रहा है। स्पाईवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर या मालवेयर होता है जिससे कंप्यूटर, फोन या किसी भी दूसरे डिवाइस से आसानी से आपकी जानकारी निकाली जा सकती है। मतलब आपके फोन के सॉफ्टवेयर को यूज किया, उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और सारा डेटा चुपचाप गायब कर दिया। सुरक्षा या खुफिया एजेंसियां दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस स्पाईवेयर यूज करती हैं। जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, इन स्पाईवेयर का मार्केट भी बढ़ रहा है। सरकारें भी अभी इन्हें अफोर्ड कर सकती हैं और ऐसा ही कुछ पेगासस वाले रिसेंट केस में भी हुआ है। इसे बनाने वाली कंपनी एनएसओ ने साफ शब्दों में कहा है कि वो अपना स्पाईवेयर सिर्फ सरकारों को बेचती है। लेकिन सरकार को एक स्पाईवेयर से क्या फायदा हो सकता है? एक स्पाईवेयर ऐसा क्या चुरा सकता है कि हर तरफ अफरा तफरी मच जाए? चंद शब्दों में कहूं तो सब कुछ, और आप डिटेल में समझ लीजिए। स्पाईवेयर रियल टाइम फोन कॉल्स को सुन सकता है, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, कॉल लॉग, व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजेस को भी आसानी से पढ़ सकता है। आपकी लोकेशन ट्रेस करके ये बता सकता है कि वहां चल क्या रहा है। कॉन्टैक्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, नोट, डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियो तो छोड़िए, ये आपको बिना बताए स्मार्टफोन ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा और आपको कानो कान खबर तक नहीं लगेगी। इसी को क्लिक अटैक कहते हैं। मतलब आपके फोन पर जितना हक आपका है उससे कहीं ज्यादा हैकर का है। अब आप सोच रहे होंगे भैया इससे तो बढ़िया कीपैड फोन ही था, तो कैसे पता लगाएं कि हमारे फोन में भी स्पाईवेयर है या नहीं? इसे पता करना लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि मालवेयर चुपके से काम करने के लिए ही तैयार किए जाते हैं। देखिए, हर एक स्मार्टफोन एक खुली तिजोरी की तरह है और हमें पता ही है प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ बातों को गांठ बांध लीजिए। मसलन, डिवाइस और सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना चाहिए। 5 साल से पुराने डिवाइस पर हमला करना काफी आसान होता है, इसलिए फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट रखिए। हर ऐप के लिए यूनिक पासवर्ड रखिए। फोन में 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन रखिए। अनजान लिंक या अटैचमेंट पर कभी भी क्लिक न करें। अब जाते जाते कानूनी दांव पेच भी जानते जाइए। हमारे देश में निजी सर्विलांस की कोई अनुमति नहीं है। हैकिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई जानकारी को गलत तरीके से हासिल करने पर 3 साल तक की जेल की सजा होती है।